तो क्लियर है ना सबको, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, नहीं है आगे चलो। इसके बाद आता है प्रिंटिंग, ठीक है, इसका शॉर्टकट बटन है कंट्रोल प्लस। क्या प्रमाण है जी, दबा के देख लेते हैं कंट्रोल पी। चलिए जी आ गया आपका प्रिंटिंग, ठीक है। इसका एक और शॉर्टकट बटन है जिसको कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट F12, ठीक। कंट्रोल प्लस F12 से ओपन होगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट F12 से प्रिंटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक। आप दबा के देखना। अब मैं थोड़ा चेंजिंग कर दिया हूँ अपने विंडोज में, इसलिए मैं आपको स्क्रीन को दिखा के नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ मैं छेड़छाड़ किया हूँ अपने विंडोज में पासवर्ड्स वगैरह के लिए, तो मैं नहीं दिखा सकता अभी, ठीक है, लेकिन बाद में दिखा दूँगा, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट F12 से भी प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और कंट्रोल पी से भी डायलॉग बॉक्स प्रिंटिंग का ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी प्रिंटिंग में रखा क्या है देख लेते हैं, क्या रखा है। इस पर क्लिक किया आ गया। प्रिंटिंग को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू माने क्या। ये है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू पे मैं क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू आप लोग पढ़े होंगे साथ, पढ़े नहीं पढ़े, चलिए ठीक है। देखिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करके रेडी किए, ठीक है, और प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंटिंग करने से पहले आपको ये जानना है कि प्रिंट होगा कैसा, मतलब प्रिंट करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट दिखाई कैसा देगा, ये आपको अगर जानना है तो प्रिंट प्रीव्यू आप देख लीजिए। क्योंकि अगर आप प्रिंट प्रीव्यू नहीं देखते और सीधा प्रिंट मार देते हैं और गलत निकल जाता है मार्जिन ऑर्जिन हेडर फुटर ये सब, ठीक है, तो क्या होगा, पन्ना खराब हो जाएगा। तो पन्ना खराब ना हो, हम बचत करें पन्ना का, इसलिए हम पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू, अच्छा ये तो है ही है यार, ये देख लो, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग करने से पहले हमको ये जानना होता है कि प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू हम देख सकते हैं, ठीक। तो प्रिंट प्रीव्यू समझ में आ गया, ठीक। चलिए फिर ये है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट माने तुरंत से प्रिंट कर दो, ठीक है। अब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कुछ लंबा चौड़ा जानकारी हमसे मांगेगा प्रिंटिंग के बारे में, ठीक है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रिंटिंग के बारे में कुछ लंबा चौड़ा जानकारी दूं, ठीक है। तो क्या करूंगा, सीधा यहाँ पे क्विक प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा और सीधा प्रिंटर से निकल जाएगा प्रिंट होके। आप जल्दी में है तो क्विक प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं प्रिंट, ठीक। इस पर मैं क्लिक कर दिया जी। अब क्या होगा, क्लिक करने से होगा कुछ नहीं, प्रिंटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लिक कर दिया जी इस पर, ठीक है। अब एक किस चीज का लिस्ट है, ये लिस्ट है प्रिंटर सेलेक्ट करने का, ठीक। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 2-3 प्रिंटर लगा है, एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, एक कलर प्रिंटर है, कुछ और प्रिंटर लगे हुए हैं कुछ अलग अलग तरह के, ठीक है, राइट। तो आपको अगर कलर प्रिंटर से प्रिंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कलर प्रिंटर का नाम आ जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में कलर प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो कलर प्रिंटर का आ जाएगा नाम, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर का नाम आ जाएगा, ठीक है। जितने प्रिंटर्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे, ठीक है, जितना प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर में, सारे प्रिंटर्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब आपको जिस प्रिंटर से प्रिंट करना है उसका नाम आप यहाँ से क्या करना, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, कि जी तुम इस प्रिंटर से प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहां से आप प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, कुछ पेज रेंज है यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑल पेज पे अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने पेजेस हैं, ठीक है, सारे पेज प्रिंट कर देगा। जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स में अभी एक पन्ना है, मैं 100 पन्ना कर लूँ, 100 पन्ना ज़्यादा हो जाएगा, 10 पन्ना कर लूँ, चलिए जी 10 पन्ना कर लिया मैं, अच्छा 10 नहीं गलती से ज़्यादा हो गया, चलिए नो प्रॉब्लम, कौन सा पैसा लग रहा है हमको, ठीक है।
अब यहाँ पे आया, प्रिंट पे क्लिक किया, अब आ गया। ऑल पेज पे करूंगा तो टोटल 24 पन्ना प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर मेरे पास है नहीं, मैं प्रिंट करके दिखा नहीं सकता, लेकिन प्रिंट होगा कैसा, कैसे प्रिंट होगा वो मैं आपको दिखा सकता हूँ ऑफलाइन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, एमएस वर्ड का अगर फाइल है, ठीक है, तब तो आप आज नहीं करेंगे, तो जब जैसे लाइट वाइट कट गया तो प्रिंटिंग कर सकते हैं। इन्वर्टर का सुविधा नहीं है जी, हम गरीब आदमी हैं, ठीक है, तो लाइट आएगा तो प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो एमएस वर्ड से तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट करना है तब तो फंस गए जी। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, आप पीडीएफ या एक्सपीएस के रूप में उसको सेव करके रख सकते हो अपने कंप्यूटर में। ठीक है, फिर जब लाइट आएगा चाहे कहीं भी पेन ड्राइव में रख लो, मोबाइल में रख लो, कहीं से भी प्रिंट करा लोगे। ठीक है, तो ऐसा बनाने के लिए हम पीडीएफ या एक्सपीएस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक्सपीएस शो कर रहा है। ठीक है, मैं क्लिक कर दूंगा एक्सपीएस में, क्लिक कर दिया यहाँ पे आल पे, ठीक है, ओके पे क्लिक कर दिया। अब प्रिंटर लगा नहीं है कि प्रिंट होगा, तो जैसा प्रिंट होना था जितना पेज, वो सारा पेज मेरे कंप्यूटर में सेव करके रख देगा। ठीक है, तो सेव करके रखना है तो नाम बताना पड़ेगा, तो मैं नाम बता देता हूँ प्रिंट। ठीक है, डेस्कटॉप पे रख दिया। ठीक है, मैं ऑल पेजेस किया था तो 24 पन्ना है टोटल, 24 पन्ना सेव होना चाहिए ना यार, 24 पन्ना तो सेव हो जाएगा, हमको पता कैसे चलेगा। हमें पेज नंबर इंसर्ट करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं किया। ठीक है, मेरे से भूल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं जी, इधर पेज नंबर दिखा रहा है कि टोटल 24 पेज है ये। ठीक है, तो ये है आल पेज का कमाल। आल पेज पे आप क्लिक करेंगे तो आल पेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन है, करंट पेज। करंट पेज का क्या मतलब है, करंट पेज का मतलब ये है कि मेरा कर्सर जिस पन्ने पे है वो पन्ना को प्रिंट कर दो। मेरा कर्सर अभी सातवें नंबर पेज पे है ना, इसको प्रिंट कर दो। प्रिंट करने से पहले मैं पेज नंबर इंसर्ट कर लेता हूँ। पेज नंबर इंसर्ट कैसे किया जाता है आपको बताया जाएगा आगे, इंसर्ट मेनू में है वो। ठीक है, मैं पेज नंबर इंसर्ट कर ले रहा हूँ ताकि पता तो चले। ठीक है, क्लोज कर दिया, हो गया पेज नंबर इंसर्ट। ठीक है, हो गया है, दिखाऊं, ये देख लेना, अरे यार ये देख लो है। अब सातवें पेज नंबर पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे भी बता रहा है सातवें पे है। ठीक है, तो मैं दबा दिया कंट्रोल पी और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, करंट पेज पे क्लिक किया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया। अब प्रिंट नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, आ गया यहाँ पे, ये देख लीजिए पेज नंबर सातवां दिख रहा है, मतलब सच में सातवां ही प्रिंट हुआ। राइट, ये चीजें आपको समझ में आ गया। आगे चले जी, आगे इसका कहानी क्या है, आगे का कहानी ये है कि पेजेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, उसमें 100 पन्ने का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि एक से लेकर के दसवां प्रिंट करना है, या फिर दसवां मान लीजिए नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि पेज नंबर दसवां प्रिंट करना है, फिर बारहवां प्रिंट करना है, फिर पचासवां प्रिंट करना है। ठीक है, तो क्या करूंगा, दसवां लिखूंगा कॉमा बारह कॉमा पचास, तो पेज है नहीं है तो मैं पचास डाल नहीं सकता, चौबीस पेज है तो डाल देता हूं चौबीस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कॉमा एक एक पन्ना अगर आपको प्रिंट करना है, ठीक है, तो कॉमा कॉमा से सेपरेट करके आप प्रिंट कर लोगे। ठीक, देखते हैं जी प्रिंट करके, 10, 12, 24 यही है ना, याद रखना, डबल आई कर दिया, ये देखिए, देखते हैं 10, 12, 24 है कि नहीं, 10 है 12 है 24 नंबर पेज है। ठीक, आप ऐसे कर लोगे एक एक पन्ना प्रिंट। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि दसवां तो हो, बारहवां भी पेज हो, लेकिन और चौबीस भी हो, नहीं नहीं चौबीस नहीं चाहता मैं ये चाहता हूं कि बारह है ना, अब पंद्रह से लेकर के आखिरी तक, ठीक है, पंद्रह नंबर पन्ना